आइए दोस्तों, आज के वीडियो में Realme 5 Pro का रिव्यू करेंगे हम। तो रिव्यू आप देखिए, इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना है या नहीं। तो Realme 5 Pro का रिव्यू हम थोड़ा यूनिक रखेंगे, मतलब कि जो ट्रेडिशनल वे रहता है, बिल्ड क्वालिटी, उसके बाद परफॉर्मेंस, उसके बाद कैमरा, ऐसा कुछ नहीं रखेंगे। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जैसे मैं ये मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ डेली, तो डेली ड्राइवर से जैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अच्छा है Realme 5 Pro में, और आपको लेना चाहिए या नहीं, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तो कंप्लीट रिव्यू बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले। वैसे लाइक और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ढेर सारे मोबाइल फोटोग्राफी के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाए हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पॉइंट फॉर Realme 5 Pro है कि बैटरी इसका। तो बैटरी देखिए, 4035 mAh और का है Realme 5 Pro में बैटरी, और इतना बढ़िया मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी का, तो आराम से एक दिन चल जाता है। लाइक आप YouTube वीडियोस देख रहे हैं, Facebook ब्राउज करते हैं, Instagram ब्राउज करते हैं, एंड उसके साथ कॉल करते हैं, एंड उसके साथ कुछ इंटरनेट पर Chrome ब्राउजिंग ऐसे करते हैं वगैरह, WhatsApp पर मैसेजेस भेजते हैं, तो ऐसे डेली यूसेज जो टिपिकल रहता है, तो उसमें आपको आराम से एक दिन चल जाता है Realme 5 Pro। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तो एक्चुअली मोर देन 2 डेज आया था बैटरी, तो मैं कंजर्वेटिव थोड़ा रहकर बता रहा हूँ कि 1 डे ईजिली बैटरी चल जाना चाहिए। एंड अगर आप थोड़ा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स है इसमें, उसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो अगर वो फीचर आप यूज़ करेंगे ना, आराम से 2 दिन तक आपको ये मोबाइल बैटरी देता है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पॉइंट मैं कहूँगा Realme 5 Pro का इज़ इट्स बैटरी। एंड सबसे खासियत बात क्या है, वूक चार्जिंग 3.0 है। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब कि इतना फास्ट चार्ज होता है वूक 3.0, तो आराम से 30 मिनट्स तक अगर आप चार्ज करेंगे तो लाइक 50-100% आ जाएगा बैटरी इजीली। तो मैं बैटरी का सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो फास्ट चार्जिंग आपको मिलता है, सबसे बढ़िया बैटरी मिलता है, तो यस प्लस पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि इसका परफॉर्मेंस। तो स्नैपड्रैगन 712 AIe का चिपसेट इन्होंने लगाया है, तो आई थिंक परफॉर्मेंस के तौर पर मुझे इतना भी स्लो नहीं लगा। जब मैं कंटिन्यूसली ब्राउज करता हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस निकाल रहा हूँ, या फिर कैमरा से क्लिक कर रहा हूँ, या फिर ब्राउज कर रहा हूँ, तो ऐसे में नो हिकअप्स एट ऑल। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगा आप 6GB 64GB का वेरियंट लीजिएगा। ये तो 4GB 64GB मैं टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो वाला अगर लेंगे तो एकदम फास्ट परफॉर्मेंस आपको ज़रूर मिलेगा। सिर्फ एक 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो वो आप ले सकते हैं सेफ बाय। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका स्क्रीन डिस्प्ले क्वालिटी। तो डिस्प्ले क्वालिटी फॉर द प्राइस ऑन पार विद द रेडमी फोन्स, तो बहुत ही अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। इवन कलर ओएस के फीचर्स भी जो है वो भी अच्छा है, एंड जो स्क्रीन डिस्प्ले ब्राइटनेस है आउटडोर पर वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत धूप में आप स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल को लेके, तो आई थिंक वो भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि 400 PPI डेंसिटी क्रॉस कर देता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी इज़ नाइस फॉर दिस प्राइस, एंड 6.3 इंच का इतना बड़ा स्क्रीन भी आपको मिल रहा है, एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट। द नेक्स्ट वन इस कैमरा के बारे में बात करेंगे, तो कैमरा थोड़ा मिक्सड बैग है। देखिए, जो प्राइमरी 48 MP का कैमरा है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो दो कैमरास है, पिक्चर्स तो ठीक ठाक निकालते हैं, उसमें मुझे एक दिक्कत है कि ओवर शार्पन्ड इमेजेस आता है, मतलब सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम जो रियलमी ने लिखा है वो इतना बढ़िया नहीं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। उससे क्या होगा, सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैमरास बन जाएगा अगर वो इम्प्रूव करेंगे तो। अगर आप कैजुअल फोटोग्राफी के दौर पर देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं, आप खुश रहेंगे कि बहुत ही शार्प इमेजेस आता है। तो अगर आप प्रोफेशनल के दौर पर देखेंगे तो वेरी वेरी ओवर शार्पन्ड इमेजेस लगेंगे, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मुझे वहाँ पर लगा। वो छोड़कर अगर आप नाइटस्केप, नाइट मोड, रात में भी ले रहे हैं तो बहुत ही क्लीन इमेजेस आते हैं, दैट्स अ प्लस पॉइंट अगेन। दोस्तों, ये है Realme 5 Pro का सेल्फी कैमरा टेस्ट, और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा से अभी कैप्चर हो रहा है, धूप डायरेक्ट लाइट जो है मेरे फेस पर है, अगर मैं ऐसे घूमूं तो अपोजिट लाइट है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एंड फिर भी थोड़ा रिकॉग्नाइज तो हो रहा है, यहां पर एक्सपोजर ठीक हो रहा है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इतने बजट प्राइसिंग में आपको ऐसे मिल रहा है, तो विच इज़ रियली नाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे फोकसिंग करता है, कैसे एक्सपोज करता है मेरे फेस को, तो पूरा स्ट्रेच मैं यहाँ पर एक्चुअली पकड़ा हूँ, तो इतने दूर में लाने के लिए नहीं तो इतना क्लोजअप आ जाएगा, तो नॉट सो मच वाइड कैमरा है, यहाँ पर एंगल आपको मिल रहा है, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, तो इतना भी अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं, लेकिन फिर भी काम चल जाना चाहिए। तो ये था वीडियो टेस्ट फ्रॉम द Realme 5 Pro।
तो यहाँ पर स्टार ऑफ द शो क्या है Realme 5 Pro में, अल्ट्रा मैक्रो कैमरा जो कि यूनिक है, कोई किसी कैमरास में फिलहाल दूसरे मोबाइल में आपको नहीं मिलता है अल्ट्रा मैक्रो कैमरा। तो अल्ट्रा मैक्रो कैमरा इन्होंने जो नाम दिया है वो गलत है, एक्चुअली क्लोजअप इमेजेस लेता है 4 सेंटीमीटर्स, हालांकि पास ही होता है सब्जेक्ट के सामने, लेकिन फिर भी इसको अल्ट्रा मैक्रो नहीं कहना चाहिए था, क्लोजअप कैमरा कह सकते थे। क्योंकि अल्ट्रा मैक्रो देखिए, बिना ये अल्ट्रा मैक्रो कैमरा ही जो नॉर्मल मेन कैमरा रहता है 48 मेगापिक्सल का, उससे ही आप इससे जो अल्ट्रा मैक्रो कैमरा कितना आपको क्लोजअप देता है ना, उससे ज़्यादा क्लोजअप आप उस मेन कैमरा से ही ले सकते हैं। तो इस अल्ट्रा मैक्रो का तो क्या फ़ायदा इसका। तो इसके बाद और एक नेगेटिव इसका है कि अल्ट्रा मैक्रो कैमरा का जो सब्जेक्ट रहता है वो बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए, अगर थोड़ा पत्ता हिल रहा है आप फ्लावर का खींचने जाएंगे तो बिल्कुल ब्लर शॉट्स मिलेगा आपको, वो एक डिसअपॉइंटिंग थिंग है। कभी कभी आप क्लोजअप शॉट्स निकालने जा रहे हैं, अगर सब्जेक्ट स्टेबल है और आपका हाथ स्टेबल है तो ठीक इमेजेस आते हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही मैं कहूँगा अल्ट्रा मैक्रो कैमरा। लेकिन खैर फर्स्ट इटरेशन है, अभी तो नया कैमरा है ना, तो नेक्स्ट इटरेशन पर वो इम्प्रूव करेंगे, तो ये चीज़ मुझे बताना था आपको। एंड उसके बाद जो ऑडियो क्वालिटी कॉल क्वालिटी है, यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं, अच्छा रिसीविंग एंड पर एज वेल एज ऑन द अदर साइड क्लियर ऑडियो सुनाई दे रहा था। एंड इसका ऑडियो स्पीकर आउटपुट जो है वो भी ठीक ही है फॉर द प्राइस, 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिलता है आपको, तो इसमें से जो ऑडियो क्वालिटी आता है तो फॉर द प्राइस एक्सलेंट है, तो यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया इसका मेन सेलिंग पॉइंट्स है, देखिए एक तो बैटरी है, एक तो परफॉर्मेंस है। यहाँ पर परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने कहा स्नैपड्रैगन 712 का है, यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि जो प्रोसेसर इन्होंने लगाया है वो चिपसेट पर तो थोड़ा स्लोअर प्रोसेसर है कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro में जो आपको मिलता है, लेकिन फिर वहाँ पर Redmi Note 7 Pro में जो चिपसेट है बेस वो थोड़ा कम वर्शन वाला लगाया है, तो ऐसे में इन्होंने कॉम्पेंसेट करके बनाया है, तो इतना भी हम कंप्लेंट्स नहीं कह सकते हैं। मुझे तो स्मूथ परफॉर्मेंस मिला है ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो ऐसे में बैटरी तो बढ़िया है ही। एंड उसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक जो फीचर है वो आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो ऐसे इतने सारे इसमें पॉजिटिव है, वो भी आपको 14,000, 15,000, 17,000 में मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। तो Realme 5 Pro अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बेहिचक आप ले सकते हैं इस मोबाइल को। तो दोस्तों ऐसे रिव्यूज के लिए हिट दैट लाइक बटन, कैसे लगा यह रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इसके रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके स्क्रॉल करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो ऐसे आप रिव्यूज चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। Realme 5 Pro highly recommended phone। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।